हेलो नमस्कार, मैं सचिन आपके साथ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न दिया हुआ है कि यदि कॉट 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा इक्वल टू 4 है तो कॉट कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर 4 थीटा का मान बताना है कितना होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया है अपन वो लिख देते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि कॉट की घात 4 थीटा प्लस कॉट की घात 4 थीटा इक्वल टू 4। कॉट की घात 4 थीटा प्लस कॉट की घात 4 थीटा इक्वल टू 4। अब कॉट का मतलब क्या, कॉट का ये क्या, देखो चूंकि क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो कॉट स्क्वायर क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या होगा, यहाँ कॉट है तो यहाँ लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे ही सेम कंडीशन इसमें हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, एक में स्क्वायर है एक में क्यूब है, एक में स्क्वायर है एक में क्यूब है, सॉरी, ठीक है, माइनस क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू कितना है 4 है। चलो अब क्या करते हैं अपन इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कोशेक 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2 कोशेक स्क्वायर थीटा, कोशेक स्क्वायर थीटा प्लस कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 4। माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, बिल्कुल कट गया, इससे ये घट जाएगा तो ये कितना बचेगा, कोशेक 4 थीटा माइनस कोशेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अपन को यही ज्ञात करना था कि कोशेक की घात 4 थीटा माइनस कोशेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। थैंक यू।